नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। महाराष्ट्र में हिट एंड रन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पोर्श मर्सिडीज फॉर्च्यूनर कांड के बाद अब बीएमडब्ल्यू कांड सामने आया है। दरअसल मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित अट्रिया मॉल के पास रविवार की सुबह एक बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार एक महिला और उसके पति को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वर्ली के कोलीवाड़ा में रहने वाले मछुआरा पति पत्नी प्रदीप नखवा और कावेरी नखवा मछली लेने के लिए ससुन डॉक गए हुए थे। मछली से लदी अपनी स्कूटी के साथ वापस लौटते वक्त उन्हें एक बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कावेरी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि उनके पति प्रदीप को भी गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। वर्ली पुलिस की यदि माने तो बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मारी है। उसे मिहिर शाह नाम का युवक चला रहा था। मिहिर शाह शिवसेना के उपनेता राजेश शाह का बेटा है। आपको बता दें कि राजेश शाह पालघर जिले में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पदाधिकारी हैं। घटना के वक्त मिहिर के बगल वाली सीट पर एक और शख्स बैठा था, जो कि उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। घटना के बाद मिहिर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने उसके पिता राजेश शाह को हिरासत में ले लिया, और क्योंकि बीएमडब्ल्यू कार उनके ही नाम पर रजिस्टर है। एक्सीडेंट की जो तस्वीर सामने आई है, उनमें दुर्घटना में शामिल सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू कार के फ्रंट साइड पर डेंट के निशान देखे जा सकते हैं, जबकि स्कूटी पीछे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने एक्सीडेंट के बाद कार नहीं रोकी और कावेरी और बोनट पर करीब 100 मीटर तक लटकी रही और फिर सड़क पर अचानक से गिर गई। इसके बाद प्रदीप और कावेरी दोनों को नए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पति प्रदीप का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है महाराष्ट्र के सीएम। जो मुंबई में हिट एंड रन का जो घटना जो हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नज़रिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी नियम के अनुसार, वो जो भी हो कानून के सामने सब बराबर है। कुल मिलाकर सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दे दिए हैं। वहीं इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला। राहुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शारदा जी, इस तरीके से ये पूरा वर्ली हिट एंड रन केस का मामला है, उसी तरीके का है जो पुणे में जिस तरीके का हादसा हुआ है। जो पीड़िता थी वह आज सुबह 5:30 बजे के करीब मझगांव से वर्ली की ओर आ रही थी। अपने वर्ली कोलीवाड़ा में उसका घर था। उस घर के आने के दौरान ही अटिया मॉल के पास में यह घटना घटी। जब वह महिला अपने बाइक सवार अपने पति के साथ में जा रही यात्रा कर रही थी, तो उसी दौरान बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी गाड़ी को हिट किया, और उसी हिट के दौरान जो उनके पति थे वो बच गए, लेकिन जो महिला थी उसकी साड़ी जो है वो गाड़ी के अंदर फंस गई थी, और लगभग 100 मीटर तक गाड़ी बीएमडब्ल्यू के द्वारा घसीटती हुई वो गाड़ी गई, जिसके दौरान उस महिला की मौत हो गई। उसे तुरंत ही नायर हॉस्पिटल लेके जाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उसे मौत मृत घोषित कर दिया था। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वर्ली पुलिस स्टेशन कर रही थी। फिलहाल जो है आदित्य ठाकरे पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो आरोपी है वो उसे तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए, इसमें किसी प्रकार की सियासत न हो। इस तरीके से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि इस पर पूरी तरीके से कानून जो भी है सबके लिए एक बराबर है और सभी नियमों का पालन होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहे ये एक बड़ा हिट एंड रन मामला है वर्ली का, और इसे पुणे की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में जो है वर्ली के जो रहवासी है, जो कोलीवाड़ा समाज है, वो इस पर इंसाफ की गुहार लगा रही है, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इंसाफ नहीं करती तो इस पर हम आंदोलन भी करेंगे। राहुल, आरोपी और उसके परिवार को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्वयं शिवसेना नेता का बेटा है, इस मामले में और क्या कुछ निकल कर आया अब तक सामने? जी बिल्कुल शारदा, जिस तरीके से जो आरोपी है मिहिर शाह,
वह राजेश शाह का बेटा है। राजेश शाह जो खुद पालघर के नेता है, शिंदे गुट के एक नेता कहे जाते हैं, और उन्हीं के बेटा मिहिर शाह जो है वो गाड़ी ड्राइव BMW गाड़ी वह खुद ड्राइविंग कर रहा था, और ये बताया जा रहा है उसके साथ ड्राइवर भी मौजूद था। ऐसे में ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, और जो मिहिर शाह है वो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस जो है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि मिहिर शाह जब सुबह वह निकला था, लगभग 5:30 बजे का समय था, अगर वो क्या वो ये भी बताया जा रहा है कि वो जुहू में किसी ड्रिंक करके वो निकला हुआ था या इस तरीके की, इस पर जो है सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में जो उसका उसकी मेडिकल जाँच होनी भी जरूरी थी, ऐसे में अगर वो फरार है तो उसकी मेडिकल जांच क्या सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस तरीके की पुलिस उन्हें उसे खोजने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सारे एंगल है, और पुलिस चाहती है कि जो आरोपी है वो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इसी तरीके से सियासत भी तेज हो चुकी है, जिस पर आदित्य ठाकरे स्थानीय विधायक है और वो भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, इसे पर सियासत हम नहीं करना चाहते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राहुल, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें और आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं, यह चिंता का विषय है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। नमस्कार।